अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर इस्माइल है और प्रॉपर्टी नामा कंसल्टेंट्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आज आपको जो अपडेट देने जा रहा हूँ ये DHA फेज़ 2 और DHA फेज़ 1 के बारे में देने जा रहा हूँ। ये जब आप GT रोड पे आते हैं कचहरी की तरफ से सुहा पुल क्रॉस करके थोड़ा सा बहरिया पीछे रह जाता है तो उसके बाद जो है आता है DHA फेज़ 2 का ये गेट है लेफ्ट साइड में। ये हो गया आपका DHA फेज़ 2, ठीक है, ये उसका हो गया गेट नंबर 1। इसके बाद हम टूवर्ड जो है गीगा मॉल की तरफ जाते हैं। ये बेसिकली जो रास्ता है इसको कहते हैं GT रोड रावलपिंडी। ये वो GT रोड है जो लाहौर की तरफ जाता है, यानी कि थोड़ा सा जब मैं आगे जाता हूँ तो पहला जो आता है वो रबात आता है, दैन गुजर खान और इस तरह दीना और इस तरह करते हुए जेलम सरालमगीर खारियाँ गुजरात गुजरावाला और लाहौर उस तरफ जाता है। तो आज से 10 साल पहले इस इलाके की कोई वैल्यू नहीं थी, 10-15 साल पहले। अब इस ये इलाका सबसे द मोस्ट लग्जीरियस एरिया है, यानी कि यहाँ पे बहरिया टाउन है, यानी कि हमारे जो राइट साइड पे ये जो आबादी है इसके पीछे बहरिया टाउन है जिसकी एंट्रेंस एक आगे है और एक पीछे है। बहरिया गार्डन सिटी की एंट्रेंस है इधर, ठीक है, बड़ा खूबसूरत बनाया गया DHA 3 के साथ। ये लेफ्ट साइड पे आपको जो आबादी नज़र आ रही है मेन से, ये सारे का सारा DHA 2 है, ठीक है, DHA फेज़ 2 इस्लामाबादी आप देख रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत व्यू, बड़ा ही प्यारा मौसम है, पिंडी इलाके का मौसम बहुत अच्छा है उस लिहाज से। फिर इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये गार्डन सिटी बैरियर टाउन की एंट्रेंस है, ये गार्डन सिटी बैरियर टाउन है, ठीक है। ये बहुत प्यारा, ये बहुत खूबसूरत, इसमें गोल्फ कोर्स है, इसमें सिनेमा है, सिनेपैक्स है, ये बहुत प्यारा बनाया गया है बैरिया की तरफ से। अच्छा, इसमें मैं फिर आपके साथ अगर थोड़ा सा आपको बताते चलूँ आगे, तो ये एक आता है गेट DHA 2 का, दूसरा गेट आता है, जबकि ये जो DHA 2 का गेट है ये बंद है, मतलब उस तरह ओपन नहीं है। इसके बाद जो है वो गीगा मॉल के साथ ओपन है। ये जो आपको टावर्स नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं लिग्नम टावर्स। ये DHA फेज़ 2 है सारे का सारा लेफ्ट साइड पे। इसी लिग्नम टावर को जो है अल गुरैर गीगा ग्रुप दुबई का जो ग्रुप है उन्होंने बनाया है, जिन्होंने गीगा मॉल को बनाया है, ठीक है, ये उनका हो गया। थोड़ा सा इसमें आपको मैं अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्कस होंगी, इसमें जो है प्लॉट्स की भी डिस्कस करूँगा साथ साथ। तो ये इंशाल्लाह 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको एक अच्छी मालूमात मिलेंगी। ये लेफ्ट साइड पर सारे का सारा DHA फेज़ 2 का कमर्शियल है, इसके पीछे लिग्नम टावर है जो ऑलमोस्ट तैयार हैं, ये काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। उसके पीछे जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये DHA फेज़ 2 के घर हैं। इसी के बिल्कुल अपोजिट जो मैं जिस पॉइंट को नोट करना चाह रहा हूँ, नोट करवाना चाह रहा हूँ, वो है DHA फेज़ 3। ये राइट साइड पर उसकी एंट्रेंस है, ये यूटर्न है और इसके साथ आगे एंट्रेंस है। DHA फेज़ 2 जो है ये 1-3 सॉरी DHA फेज़ 3 का ये रहा एंट्रेंस है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये भाई DHA फेज़ 3 है। DHA फेज़ 3 उस तरह आबाद नहीं है, उस तरह मतलब लोगों का उसमें इस तरह इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये आपका गीगा मॉल है और ये DHA फेज़ 3 की एंट्रेंस है। तो इसमें उस तरह लोगों ने अभी तक आबादी ज़्यादा शुरू नहीं की, लेकिन आपके मालूमात के लिए बताता चलो कि एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है DHA फेज़ 3, क्योंकि अभी तक DHA फेज़ मतलब मिसाल के तौर पर मैं अगर आप साथ 10 मरले की बात करूँ, 10 मरले का प्लॉट DHA फेज़ 2 है, ये इस गीगा मॉल के पीछे DHA फेज़ 2 है। इसके अंदर 10 मरले का जो स्टैम्प प्लॉट है वो 1.25 करोड़ का है। इधर आप फेज़ 3 में लेते हैं तो आपको जो है तैयार प्लॉट, रेडी प्लॉट, खूबसूरत, यानी कि ऑन ग्राउंड तकरीबन 75-80 लाख रुपए के प्लॉट स्टार्टिंग है, यानी कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है उस लिहाज से। दूसरा जो है अपोजिट टू गीगा मॉल रोड है, एक तो जो DHA 3 है जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसकी इंट्रेंस बैरियर टाउन से भी है और मेन GT रोड, ये मेन GT रोड है, यहाँ से भी इंट्रेंस है। तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप इसमें अपना सरमाया लगा सकते हैं, आप घर बनाने के लिए बहुत अच्छा है, उसमें फैसिलिटीज सारी बैरियर टाउन वाली हैं, बिजली पानी गैस। तो ये एक ओवरऑल अपडेट थी जिस चीज़ को मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के जहनों में आए, ये चीज़ कि उस चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए जिसके पीछे सारी आवाम जा रही होती है, उसकी चीज़ के पीछे जाएं जिसका फ्यूचर है, जिसमें आपको प्राइस कम मिलती है। तो ये एक ओवरऑल हमारा मसला ये है कि हमारी आवाम उस चीज़ के पीछे जाती है जिसके पीछे पूरी दुनिया जा रही होती है, पैसा भी ज़्यादा दे रही है, चीज़ भी दे रही है। DHA 3 को आज आप देख रहे हैं निगलेक्ट है उस तरह, इसमें कमर्शियल के बहुत अच्छे प्लाट्स हैं, उसमें कमर्शियल हैं हमारे पास, इसमें जो है प्रॉपर कमर्शियल हैं, इसमें अब इंशाल्लाह हम प्लाटें भी शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। तो मतलब एक अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है DHA फेज़ 3, खास तौर पर वो लोग जो एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर 5 मरला प्लाट DHA फेज़ 3 के अंदर 75 और फेज़ 2
टू के अंदर 75 लाख है। ये आपको उस किस्मत को सामने ऑपोजिट जो डीएचए फेज 1 और 3 है जो डेवलप भी है सेम उसी तरह बैरियर टाउन के साथ टच है, डेवलप भी है, मेन जीडी रोड से एक्सेस है, वहां पे आपको 45 लाख रुपए का मिलता है। तो ये एक फर्क है कि आप इस फर्क को वेल करें और आप इस चीज को समझें। मजीद मालूमात के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0331-984-0145।